गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है आज के शानदार और जानदार वेबिनार में। और मैंने मैसेज भी सब लोगों को किया था कि आज का प्रोग्राम बड़ा ही शानदार और जानदार रहने वाला है। उसके पीछे की वजह है, जो आप जानते हैं, उसके पीछे आज के सेमिनार के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है। जो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं वो है, वो वाकई में इतने शानदार, इतने जानदार है कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में आज उनका डंका बजता है। पूरे जहां जहां भी वेस्टीज है वहां वहां वो जाने जाते हैं। जाने जाते हैं अपनी सक्सेस के लिए, जाने जाते हैं अपने हेल्पिंग नेचर के लिए, जाने जाते हैं अपने स्माइली फेस के लिए, जाने जाते हैं अपने काम करने के तरीके के लिए, जाने जाते हैं बहुत तेजी से सफल होने के लिए। तो मैं आज ज्यादा नहीं वादा नहीं बनूंगा ज्यादा देर आप लोगों के बीच में, क्योंकि वो शख्स हमारे बीच में आ चुके हैं, आप सब लोग उनसे परिचय हैं, वो परिचय का मोहताज नहीं है किसी के, उनका नाम ही काफी है। जहां वो जाते हैं उससे पहले उनका नाम पहुंचता है, आज आप सब लोगों तक भी उनका नाम पहुंच चुका है। बस एक ही मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा कि 500 की कैपेसिटी यहाँ पूरी हो चुकी है। जो लोग यहाँ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो आपको मैसेंजर में एक लिंक मिला होगा, यूट्यूब का लिंक, उस पर जाके कनेक्ट करके यूट्यूब पे भी लाइव ये प्रोग्राम रहेगा। 1 घंटे तक हम लोग साथ रहने वाले हैं। डिसिप्लिन बना के रखें, वीडियो ऑन ना रखें अगर आप ड्रेसिंग सेंस में नहीं है तो, अगर आप उचित स्थान पे नहीं है तो वीडियो ऑन ना करें, और अगर आप अच्छे ड्रेस सेंस में हैं तो वीडियो ऑन रख सकते हैं। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, सर से कुछ जानेंगे उनके बारे में, और उससे पहले उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं, जानते हैं। तो मैं ज्यादा वादा नहीं बनूंगा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि नाम मेरा राजकुमार गिरी और मैंने भी संजय सर से बहुत कुछ सीखा है। आज हम सब लोग मिलके उनसे सीखेंगे। तो संजय जी, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आपने हमारे लिए बहुत कुछ पहले भी किया है, आज फिर हम एक उम्मीद में आपको इनवाइट किया इस पैंडेमिक में आपसे कुछ चीजों को जानने की। ये जब कोरोना के टाइम पे दुनिया बहुत कुछ नहीं कर पा रही है, तब भी आप बहुत तेजी से बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो स्वागत है संजय सर आपका। शुक्रिया गुरुदेव, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, जी मैंने थोड़ी कैप लगा रखी है और गूगल वगैरह लगा रखे, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे संजय जी तो यार गिरी जी की तरह हैं, बराबर है। जी सो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। शुक्रिया गुरुदेव, और मैं लकी हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया, आपने मुझे बुलाया, आपका दिल से शुक्रिया। और आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। अगर आप ना होते तो आज मैं भी नहीं होता। तो एक बार मैं चाहूंगा राजकुमार गिरी जी के लिए दिल खोल के ताली बजा दीजिए सारे लोग। देखो ताली बजाओ तो अच्छे से बजाया करो, ठीक है? हाँ, अच्छी खुशी होनी चाहिए। सो मैं अपने बारे में बताऊँ, जैसे सर ने बताया मेरा नाम संजय यादव है। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन 22 साल हो गए मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए, और पिछले 22 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। मैं और गिरी जी पिछले तकरीबन 11 साल एक अन्य कंपनी में हमने दोनों ने मिलकर अच्छे से काम किया। अच्छे लेवल पे थे, बढ़िया इनकम थी, बढ़िया चेक था, बढ़िया स्टेज के ऊपर गिरी जी और हम दोनों, कहते ना वो धाड़ने वाली बात होती थी कि खूब धाड़ते थे जी। लेकिन किसी कारणवश उस कंपनी को 6 7 8 9 महीने के लिए बंद किया गया। हम दोनों ने मिलकर और दो दो चार लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया, और हमने डिसीजन लिया और हमने वेस्टीज के अंदर आज से 9 साल 2 महीने पहले हम आए। हम सब लोगों ने मिलकर ये काम किया। मेरे को राज जी ने वेस्टीज से इंट्रोड्यूस कराया, गिरी जी से पहली बार मिला 22 मार्च 2012 2 बजे।
कहते मोटिवेट कर रहा है, मैं मोटिवेट नहीं करता, मेरे को नहीं आता मोटिवेशन मोटिवेशन देना, लेकिन एक बात मेरे को जिंदगी में जरूर आती है, आप इस बात को समझ लीजिए। अगर किसी का कहना है जब आदमी काम करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर क्लियर है ना, तो माय डियर जिंदगी में बात समझ लेना, आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, दुनिया में सक्सेस होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आज कह रहा हूं आपको कि वेस्टेज क्या है, थोड़ा सा दिखाता हूं मैं, ये सब लोगों को पता है, बहुत बार लोगों ने देखा और समझा और कहा है भी है। 1940 में बड़ा परिवार था, 10 रुपए में गुजारा था, 60 में 20 साल के बाद जीरो लगती चली गई, कलरफुल लाइफ होती चली गई, ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो गई। 60 में 100 रुपए, 80 में 1000 रुपए, 15 लोगों से 10, 10 लोगों से 8, 8 लोगों से 6, 6 लोगों से 4 और 4 लोगों से 2 होते चले गए। 1980 में 1000 और 2000 के अंदर अभी देखिए आप 10, 1 लाख, जीरो। ये बता रहा है, ये सर्वे बता रहा है, मैं नहीं बता रहा कि गुजारा करने के लिए रकम ये इनकम चाहिए। लेकिन आज के टाइम में 2021 आ गया माय डियर, 2020 में कोविड आ गया, कोरोना आ गया, इस महामारी ने दुनिया की तकदीर और तस्वीर भी बदल दी। ये देख दिए क्या तकदीर हो गई है, लोगों की तस्वीर क्या बदल गई है, अब लोगों की समझ में आने लगा है। 1 लाख की बात छोड़ दिया, 10,000 में भी गुजारा कर रहे हैं लोग बड़ी मुश्किल से। लेकिन क्यों बता रहा हूं ये बातें, लाइफ चल रही है, स्टाइल नहीं है, लाइफ के साथ स्टाइल चाहिए। ये जीरो आज से 60 साल 62 साल 65 साल पहले की बात बता रहा हूं, लेकिन आज लोगों की समझ में आने, 80 साल पहले आज लोगों की समझ में आने लगा कि वाकई में ये जो सर्वे था ये सबको पता है। 2018 और 2022 21 20 आ गए हैं, अब बताइए 10,000 से लेकर सीधा 1 लाख रुपए महीने की इनकम आज कौन सा बिजनेस आपको देता है और कौन सा बिजनेस आपको दे सकता है, कौन सी नौकरी आपको दे सकती है, इस बात को आपको समझना है। ये हल्के में मत लेना, छोटी बात नहीं है। कभी आप ये सोचो चलो मीटिंग में आए वाहवा करके ताली बजा के मैं देख लेता हूँ, राजकुमार गिरीश जी ने मेरे बुलाया और लोगों ने मेरे को इनवाइट किया, एक बार देख के आता हूं मैं, नहीं है मेरे दोस्त, ऐसे समझना आप। 1 लाख रुपए कमाने के लिए कौन सा आपका बिजनेस है, रात को सोचना, 12 बजे उठना, परिवार सो रहा होगा तब देखना, और दिमाग का कहते हैं ताले खोल के सोना, उसके बाद में अगर नींद खुले तो अपने आप को चेक करना कि रियली जो संजय जी ने आज ये बात बताई कि 2020-2021 आ गया, 1 लाख रुपए इनकम की है मेरे पास। आज सब्जी का रेट डबल हो गया, दूध का रेट डबल हो गया, कपड़े का रेट डबल हो गया, मोबाइल का इनकम का रेट डबल हो गया, सब कुछ डबल हो गया। सोचिए आप क्या से क्या बदल गया, जमाना बदल गया, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ पहुंच गया, सब्जी का रेट कहाँ पहुंच गया, और सारी इनकम आपकी इनकम कहाँ पहुंच गई, क्या आपकी डबल हुई है, ट्रिपल हुई है, 4 टाइम हुई है, 5 टाइम हुई है, 6 टाइम हुई है। अगर नहीं समझ में आता तो आज समझ लेना, ये 2020 की बात कर रहा हूँ, 21 आ गया है। और मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता था यार समझौता करने वाली लाइफ जिंदगी, मैं नहीं चाहता था घिसट घिसट के मरना, सक्सेस होना चाहता था, समझौता करना नहीं चाहता था जिंदगी में, कभी भी कंप्रोमाइज नहीं चाहता था मैं जिंदगी में, हर चीज चाहता था, लाइफ में सब कुछ मिले जो चाहिए ना, वो सब कुछ जिसके ऊपर हाथ रखूं वो सारी चीज मेरे को मिले, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना था। इसलिए 22 साल पहले मैं पागल नहीं था, मैं 22 साल पहले मेरे को समझ में आया था ये एक चैन सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है, यहाँ काम करना है, सिस्टम के साथ करना है, सीख कर करना है, समझ कर करना है, एजुकेशन के साथ करना है, तब मैंने काम किया था। और बहुत सारे लोगों ने उस समय बोला था नहीं होगा कामयाब, कुछ नहीं होता, बेकार के धंधे हैं, बकवास, मैं ये बनेगा करोड़पति, ये बनेगा अरबपति। और आज मेरे दोस्त आपको बता दूं, आप सबको पता भी होगा, यहाँ पे आज इन 22 सालों के अंदर आज मैंने वेस्टिज से डायरेक्ट सेलिंग से करोड़ों रुपए कमाए हैं। वेस्टिज से मैं 9 साल से काम कर रहा हूँ, 7 करोड़ की इनकम वेस्टिज से ली है, 634 लोगों के पास मेरी टीम के अंदर गाड़ियां हैं, 27 लाख लोगों का मेरा आज ग्रुप बन चुका है, 26 लोग हैं आज मेरे ग्रुप में जिनके पास ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जगुआर है, 26 लग्जरी कारों का कारवा है, 17 फॉरेन ट्रिप मैंने वेस्टिज के माध्यम से किए हैं। सोचिए आज 1,08,00,000 की जैगवार में चलता हूँ, 50 लाख की ओडी में चलता हूँ, 6.5 साल पहले ओडी ली थी और आज से 3 साल पहले जैगवार मैंने ली थी, आज वैसे से 5 गाड़ियां मैंने ली है, मेरी तो औकात नहीं थी इतनी बड़ी। आज एक शानदार करोड़ों के घर में रहता हूँ मैं, 12 प्रॉपर्टी वैसे से बनाई है, हल्के में मत लेना, फालतू नहीं फेंक रहा, काम की बात बता रहा हूँ। 2860 रुपए का प्रोडक्ट लेकर 22 मार्च 2012 को वेस्टिज को ज्वाइनिंग किया था, 2:34 के ऊपर गिरीश और रिजवान जी ने बैठकर प्लान दिखाया था, टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के नीचे भरी गर्मी के अंदर, तब की बात कर रहा हूं मैं। और हम आज बात करते हैं कि सर मैं क्यों करूं, मेरा क्या फायदा है, इस मीटिंग में यूट्यूब पे लोग बने हुए हैं, फायदा क्या करेंगे क्या, सर ऐसी जिंदगी नहीं जीना
चाहता था, घिसट घिसट के मरना नहीं चाहता था, मैं जमीन कुरेद के मरना नहीं चाहता था, तब मैंने काम किया है। मैंने किसी औरों के लिए नहीं किया, मैंने अपने लिए किया। सबसे पहले अपने आप की लाइफ बदलना चाहता था, जिंदगी में समझौता नहीं करना चाहता था, इसलिए काम किया है। काम करने के इनकम के तरीके सब लोगों को पता, आपको पता है, हर बार ये ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, खूब लोगों ने देखा है, और खूब लोगों, बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के लोग हैं या विदेश के लोग हैं या वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब लोगों ने बताया कि काम करने के तरीके, बिजनेस करने के तरीके, पैसे कमाने के चार तरीके हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस मैन है या इन्वेस्टर है। लेकिन करना क्या होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। 95% पैसा लोगों के, 5% लोगों के पास होता है, लेकिन क्यों होता है? बहुत सारे लोग इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं कि नहीं डालते हैं, आप ये बताइए। लिमिटेड इनकम लेते हैं और एक्टिव इनकम लेते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो टीम बनाकर काम करते हैं, अनलिमिटेड इनकम लेते हैं और पैसिव इनकम लेते हैं और रॉयल्टी जैसे इनकम लेते हैं। इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी इनकम आते हैं, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए। इसलिए रॉयल्टी जैसे इनकम लेने के लिए इस बिजनेस को समझना चाहिए। इसको हल्के में लेते हैं, इसको ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे को इनवाइट कर लिया, जूम का लिंक भेज दिया, मैं क्या करूंगा आकर? दिमाग खोल के बैठना माय डियर, और आज ये सुन के जाना, समझ के जाना कि आपको सबसे पहले आपको जरूरत है। जो लोग इस जूम मीटिंग में आए हैं, आप क्या समझते हैं कि मेरे को जरूरत नहीं है? आप क्या बोलते हैं कि मेरे को जरूरत नहीं है? मैं टाटा बिड़ला बजाज बांगड़ सिंघानिया मित्तल जेके का बेटा हूं या किसी और हूं? माय डियर, होंगे तो क्या बड़ी बात हो गई? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। कितने लोग हैं जो आज के टाइम में दिवालिया हो गए हैं? आपके पास करोड़ों इनकम है, आपके पास कट्टे बोरी भरे पड़े हैं, तब भी क्या आपको जरूरत है इस बिजनेस की? अरे ये बिजनेस तो वो चीज है दुनिया में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस दुनिया में कितने सतरंगी दुनिया है, 7 तरह के संस्कार, 7 तरह का बिजनेस, 7 तरह की इनकम और 7 तरह की फ्रीडम देने वाला बिजनेस है ये। संस्कार यहाँ मिलते हैं, प्यार यहाँ मिलता है, सम्मान यहाँ मिलता है, सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलता है, सुख यहाँ पे मिलता है, समृद्धि यहाँ पे मिलती है, टाइम फ्रीडम है, इनकम फ्रीडम है, हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है और हम आज इस बिजनेस को बुरा बताते हैं, हम आज बिजनेस को समझ नहीं पाते हैं। लोगों का बिजनेस है, चैन सिस्टम है, मैं क्या करूंगा, राजकुमार गिरी जी का बिजनेस है, मेरे से नहीं होगा, कैसे हो पाएगा? क्यों क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ? खाना नहीं खाते क्या? सोते नहीं है क्या? चाय नहीं पीते क्या? कपड़े नहीं धोते क्या? जब सारे काम सुबह से शाम तक, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के होने वाले हैं, तो क्या हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं लेके आ सकता जो आपके आने वाले समय में आपकी पुश्तों की जिंदगी बदल सकता है, तस्वीर और तकदीर बदल सकता है? तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, लेकिन बहाना नहीं चाहिए। ये दिखावटी, ये बहुत सारे लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कर रहा हूं? मेरे दोस्त मेरे साथ आज ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं पेशे से, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनके पास आज पार्लियामेंट में बैठते हैं, सर्विस टैक्स में हैं, इनकम टैक्स में हैं, आज सीबीआई में हैं, आज पुलिस में हैं, आज फार्मर हैं, आज वर्किंग वुमेन हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, गांव के, शहर के, छोटा है, बड़ा है, ब्लैक है, व्हाइट है, सब तरह के लोग इस बिजनेस में। और हम बोलते हैं सर हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं पूछता हूं क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। अरे झूठा दिखावा, खाली पुलाव, फालतू के बहाने किसके लिए, एक बात बताइए? अरे अकाउंट में पैसा बोलता है, माय डियर, जब लोग बोलते हैं ना कि अकाउंट दिखाइए, ये बिजनेस वो है जो आपको सोचा भी नहीं होगा वहां से वहां पहुंचा सकता है, इतना सम्मान और इतनी इज्जत दे सकता है कि जिंदगी में शायद कभी सपने में भी आपने कल्पना नहीं करी होगी, ऐसा सपना भी नहीं आया होगा, लेकिन आज आएगा सपना और आज आपको 101% आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर नहीं आए तो नाम बदल देना, आज आएगा आपको सपना। आप बोलेंगे यार आज सपने में बार बार वो इंसान बार बार खटक रहा है, जिसने मेरे को इनवाइट किया है उसका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इस मीटिंग में आकर आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर इसको करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है। ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको आने वाले, कहते इन्वेस्टमेंट नहीं होती यहाँ पे, नॉलेज कम हो ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस कम हो ज्यादा हो कोई रिस्क नहीं उठाना, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दुनिया के हर बिजनेस में आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। ये पहला बिजनेस ऐसा है कि आपकी एजुकेशन नहीं पूछी जाती, जात और धर्म नहीं पूछा जाता, किस गांव से हो, किस शहर से नहीं पूछा जाता, इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। हम इसको हल्के में ले रहे हैं। अरे दुनिया की, मैंने कहा 12 यूनिवर्सिटी में, आज हिंदुस्तान की 12 ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है, और आने वाले समय में, आज तो शायद समझ में आपको आए या नहीं आए, आने वाले समय में लोग इंटरव्यू देकर आज डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइनिंग करेंगे, तब लोगों की समझ में आएगा। और आज नहीं बता रहा, आने वाले 5 साल के बाद ये इंडस्ट्री जब हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री होगी ना, तब आपको समझ में आएगा। 22 साल पहले मोबाइल, 25 साल पहले मोबाइल नहीं थे, 30 साल पहले टीवी नहीं थे,
40 साल पहले कच्चे मकान, कच्चे बर्तन, कच्चे चूल्हे होते थे, मिट्टी के तवे होते थे, ठीक है, छप्पर होते थे गांव के अंदर। वो टाइम था, वो जमाना था, तांगा चलता था, हवाई जहाज बहुत कम चलते थे, मोटर कार बहुत कम होती थी, साइकिल होती थी, रेडियो होते थे। समझ में आया, जमाना बदल गया और आज समझ में लोगों को आने लगा है। सो इसलिए कहता हूं कि आपके पास अगर कोई चीज है और जिंदगी में कुछ चाहते हो, लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, तो आज एक बात अपने आपको समझ लेना और देख लेना। मेरे दोस्त, आज से इतने साल, कितने साल पहले लोगों ने इस लाइफ को देखा है और कौन लोग इस जिंदगी को जीना चाहते हैं? जी सबने, मैंने भी जी है, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी दोबारा नहीं जीना चाहता कि मेरी की जगह सात सात आठ आठ आदमी एक बाइक के ऊपर, जहां दो लोगों की जगह है और मैं इतने साथ एक लोग। सर मेरी स्लाइड दिख रही है गिरी जी? यस सर, दिख रही है सर। ओके, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सो सर, मैं यही चाहता कि जितने भी लोग हैं, कि ऐसा कंप्रोमाइज आप चाहते हो तो भले ही आप मत करो यार डायरेक्ट सेलिंग को। मैं नहीं कहता आपको, आपकी नौकरी है, बिजनेस है, करते रहिए यार। अगर आज आपके पास बाइक है, स्कूटर है, कोई भी है, तो आप करिए, कोई मना नहीं करता। आपका शुभ चिंतक, आपको जिसने इन्वाइट किया, बुलाया, अगर वो इंसान आपके साथ अगर है और आज आपने उसको बुलाया, उसने आपको बुलाया है, तो मेरे दोस्त को थैंक यू जो बोल दीजिए। इतना बोल दीजिए कि आज की मीटिंग मेरे समझ में आई। मेरे दोस्त, अगर छोटा सा पंचर हो जाए, एक पत्थर सामने आ जाए, तो पूरी जिंदगी कहते कितना बड़ा रिस्क लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी हम, और हम वैसे को बोलते हैं सर मैं कैसे।
कानों को खोल लो और इधर देख लो मेरी तरफ, मेरा चेहरा दिखे ना दिखे लेकिन इन लोगों का चेहरा देख लो। 1 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? अच्छे अच्छे आदमियों की हालत खराब हो जाती है। 1 करोड़ कमाने वाले हैं, जिंदगी बदलनी थी, समझौता नहीं करना था, धक्के मुक्के वाली जिंदगी नहीं जीनी थी। आज करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं, करोड़ों की इनकम लेते हैं और करोड़ों की गाड़ियां इनके पास है, करोड़ों का नेटवर्क इनके पास है। लेकिन आज समझ में आता है, आज समझ में आता है विवेक कुमार सक्सेना जी को, अरे मदर डॉक्टर, मदर प्रिंसिपल, फादर डॉक्टर, खुद टीचर, सरकारी नौकरी रिजाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग में आए और वेस्ट इंडीज के अंदर आज से 14 साल पहले आए, 12 साल 13 साल पहले आए और आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और वेस्ट इंडीज के अंदर आने के बाद आज इन्होंने अपना डंका बजाया, 40 लाख से ज्यादा की इनकम लेने वाले एक व्यक्ति बने। हम सब के अपलाइन, हम सब के गुरु मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना, चाहूंगा एक बार दिल खोल के ताली बजा दीजिए सर के लिए। और बहुत सारे लोग, मिस्टर रिजवान खान जी आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, मैं इनकी वजह से और हम सब आप बैठे बहुत सारे लोग हैं आज ग्रो रिच पार्टनर, आज 500 लोग आज सब एक दूसरे ने मिलकर इतना बड़ा इतिहास रच दिया, आज करोड़ों का बिजनेस आता है, आज इनके लोग नीचे तकरीबन 50 लाख लोगों का नेटवर्क बन गया है। सोचकर देखिए, आज रिजवान खान जी इस दुनिया में नहीं है लेकिन रिजवान खान जी के घर में इनकम आती है तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए महीने की इनकम। सोचिए आप कितनी बड़ी इनकम है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आज से 8 साल 9 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टेज को चुना और आज आपके साथ खूब डिग्री खूब सब कुछ लिया लेकिन ऊपर वाले को इतना विश्वास, ऊपर वाले को इतने अच्छे इंसान को अपने पास बुला लिया, क्योंकि हर अच्छा इंसान होता है ऊपर वाला बुला ही लेता है ना। लेकिन मेरे दोस्त आज हम सब, मैं इनके टाउन में इनके टीम में आज काम कर रहा हूं। आज ये नहीं है मेरे पास, मेरी कितना फिजिकल वैसे नहीं है लेकिन मेरी आत्मा में, मेरे रोम रोम में हर जगह मेरे साथ है। थैंक यू सो मच रिजवान सर, दिल से शुक्रिया। आप नहीं होते तो मैं नहीं होता। राज सर ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया है, वेस्टेज के बारे में बताया। एक व्यक्ति पेट्रोल पंप के ऊपर एक मैनेजर की नौकरी करने वाला 4 से 5 हजार रुपए की आज वेस्टेज के अंदर, आज रिजवान जी भी ओडी चलाते हैं, 14 लाख का चेक है। आज राज मोहम्मद मर्सिडीज बेंच का मालिक है और साथ में 9 लाख रुपए का चेक ले रहे हैं और ये आपने देखा होगा मेरे फोटो साथ में आपने डीसी राजपूत जी। अरे 70 साल की उम्र में 5 लाख की इनकम एक आदमी, यहाँ जितने भी लोग बैठे ना ये मत सोचना संजय जी किसका दिखा रहे हैं क्या बता रहे हैं, मैं सबको बता रहा हूँ बिजनेस क्यों करना है। ऐसे समझ लीजिए 70 साल का आदमी कामयाब है, पेट्रोल पंप के ऊपर नौकरी करने वाला कामयाब है, जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर इंजीनियर कामयाब है और साथ में एक फार्मर सुभाष ढांडा 5 लाख की इनकम और 50 लाख की ओडी वाला भी कामयाब है। और मोहिन खान जिसने पटरी के ऊपर टी शर्ट बेची 8 लाख का चेक और बीएमडब्ल्यू का मालिक भी जिसका ड्राइवर बीएससी बीएड है वो आदमी बस कामयाब है। हल्के में मत लेना, छोटा मत समझना, इन पिक्चरों को हल्के ऐसे मत समझना कि संजय जी ने ऐसे लगाई, नो, अपने दिमाग के ताले खोल के बैठना और फिर समझना कि मेरे को वेस्टेज करना क्यों है, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग चूज को करना है। दुनिया के सबसे बड़ी डिग्री मेरे पास है, होगी मेरे दोस्त, दुनिया के साइंटिस्ट होंगे आप संसद भवन में पार्लियामेंट में बैठते होंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं अगर बैठते हैं तो, क्या बड़ी बात होगी अगर आप बैठते हैं तो, क्या दुनिया के सबसे बड़ा पैसा आपके पास है, धीरू भाई अंबानी से भी ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास है तो क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन मेरे दोस्त समझिए ना, इस कोविड के टाइम में दुनिया ने कहते हैं यार जहां इतना प्यार और संस्कार, इतना नाम और इज्जत, इतनी चादर, इतनी दोस्ती जहां लोगों ने दिखाई ना, वहां दुनिया का पैसा काम नहीं आया। एक डायरेक्ट सेलिंग लोग बोलते हैं कैसे करना चाहिए, अरे ऐसे ऐसे लोग हैं कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, रास्ते में कोई बात हो जाए तो हजारों लोग आपके लिए खड़े होते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग को करता हूँ। इतना प्यार और संस्कार देते हैं, पैसे के दम के ऊपर झूठी शान शौकत कोई भी कर सकता है। किसी प्लेटफॉर्म पे उतरता हूँ तो आज सैकड़ों लोग आ जाते हैं, किसी एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो आज लग्जरी कारों की लाइन लग जाती है, संजय यादव जी मेरी गाड़ी में बैठिए, ये प्यार है, ये संस्कार है। 70 साल का आदमी पैरों के आके हाथ लगाता है, मैं उसके पैरों में झुक जाता हूँ, मेरे पिताजी की उम्र का आदमी है, बेटा आपने मेरे पोते को कामयाब कर दिया, अरे हमारी क्या औकात थी यार कामयाब कर दिया, ये तो डायरेक्ट सेलिंग है, तो वेस्टेज की पावर थी ना। 70 साल के आदमी की पैरों में मैं झुकता हूँ, मैं भी उनके पैरों में पड़ जाता हूँ, बस ब्लेसिंग दो, आशीर्वाद दो। मेरे दोस्त ऐसे ऐसे लोग हैं जिंदगी में सोचा नहीं था, लोग कहते मेरे को इसलिए वेस्टेज करना है, मैं बताता हूँ क्यों करना है। संतोष यादव 18 लाख रुपए की इनकम, एक नौकरी करने वाला 5-7 हजार रुपए की और आज वो आज 18 लाख रुपए की इनकम 17 लाख की इनकम लेता है। एक गोपी कश्यप पान बेचने वाला इंसान, पान बेचते बेचते आज मर्सिडीज का मालिक और 5 लाख का चेक है। विश्वास चौहान एक फार्मर आदमी,
एक दुकान चलाने वाला आदमी आज 7 लाख रुपए का चेक ले रहा है और ऑडी का मालिक है। एक ट्रक ड्राइवर, एक बस ड्राइवर हरिद्वार से रुड़की, रुड़की से दिल्ली, मेरठ, और करते करते कंडक्टरी करते करते टिकट काटते काटते मर्सिडीज का मालिक बन गया आज से 9 साल पहले। और आज इस इंसान का चेक 5 लाख रुपए से ज्यादा का है। हर आदमी बोलता है यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। और कितने लोग आपके बीच में, मैं सर मनोज कुमार 5 बेटियों का बाप आपके सामने खुदकुशी करने जा रहा था और उसके बाद आज मैसेज को किया मर्सिडीज का मालिक है। मिस्टर अवधेश कुमार जो इंसान बिहार से बिलोंग करता है, 3 लाख रुपए की इनकम है और जगवार का मालिक है। सोचिए एक छोटे से गांव का, जिस गांव के अंदर बहुत टाइम बाद तो लाइट आई थी, आज भी टावर नहीं है उस गांव के लोग आज, और कैसे ऐसे पीछे डबराल साथ में मिस्टर अलवी जी, एक एक आदमी का नाम आपको बताऊं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ कुंतल जी बैठे हुए हैं, यहाँ अलवी जी बैठे हुए हैं, यहाँ और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इन सब लोगों का नाम मैं बताऊं, एक एक आदमी का, कितने लोगों की कहानियां मैं सुनाऊं कि सब लोगों की कहानियां बताते बताते कई बार कहते ना बहुत टाइम चला जाएगा। सुरवे सिंह और साथ में मिस्टर गौरव, दोनों सिस्टर ब्रोदर ने मिलकर आज 9-10 लाख रुपए की इनकम लेते हैं। अनमैरिड बच्चे थे, आज गौरव की शादी हो गई, सुरवी आज में अनमैरिड है, ऑडी के मालिक है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें, ये क्यों दिखा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कहानियां। कितनी ऐसी लेडीज हैं जो हाउस वाइफ हैं और आज वेस्टिस के अंदर आज अच्छे से काम करके आज पैसा ले रहे हैं। मेरे दोस्त अपना दिमाग खोल के बैठना और समझना कि मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझना। सो मैं इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा विजन था, बहुत बड़ा रीजन था, विजन और रीजन था, तब मैं इस बिजनेस के अंदर आया। मेरे दोस्त क्यों आता मैं, 1000 कारण थे मेरे इस बिजनेस को करने के, अकेला एक कारण नहीं था, और इस बिजनेस को किया मैंने। इस बिजनेस को करने के बाद आज आपके सामने हूं। एक मैनेजमेंट, अरे टॉप मैनेजमेंट, इसलिए इस बिजनेस को किया। मार्केटिंग प्लान पिछले 11 साल जिस कंपनी में काम किया, मैनेजमेंट को इतना तजुर्बा नहीं था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसे प्रोडक्ट नहीं थे। और वेस्टिस के अंदर आने के बाद ये समझ में आया कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, इतनी बड़ी मैनेजमेंट के साथ जिनको सालों का अनुभव है, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो आने वाले में हर इंसान को जरूरत पड़ेगी। आज कोविड के टाइम में इम्यूनिटी बुश को समझा दिया कोविड ने कि हर इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसलिए प्रोडक्ट लेने थे, इसलिए प्रोडक्ट यूज किए हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो हर इंसान के काम आते हैं, अरे पर्सनल केयर के, फूड सप्लीमेंट, ये कौन से प्रोडक्ट जो आपके काम नहीं आते, सबके काम आते, सबको चाहिए। मेसो मिलान, लेडीज जेंट्स, कपड़े धोने का साबुन, यूज फलाना डिमका, ये सब लोग, ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको। ये गिरी जी मेरी स्लाइड आपको दिख रही है क्या? यस सर। सर आवाज सुन पा रहे हैं? ओके शुक्रिया सर। सो मैं आपको जितने भी लोग बैठे यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कि मेरे को, मेरे मैंने बताया 1000 कारण थे, खाली एक कारण नहीं था वैसे इसको करने का, वैसे करने के लिए। हाँ सर। संजय सर आप स्लाइड शो नहीं कर रही। अच्छा ओके सर, ओके अभी कर रहा हूँ। तो मैंने वैसे करने के लिए मेरे 1000 कारण थे, इसलिए मैंने वैसे को किया। और ये छोटी छोटी बातें हैं सर, ये समझ लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्यों बता रहा हूँ ताकि आपको भी एक बात समझ में आए कि इंसान आज से 22 साल पहले चला, उसके बहुत कारण थे। मेरे को जिंदगी में समझौता नहीं करना था, बड़ा काम करना था, लाइफ को लाइफ स्टाइल के साथ जीना था, और इसलिए आज मैं वेस्टिस के अंदर आया। इसलिए करते करते कहां से कहां पहुंचा, क्योंकि आज मेरे तमाम अपलाइन आपके साथ है, आज मेरे सारे अपलाइन आपके साथ है, मेरे हमेशा मेरे साथ रहते, मेरे घर में आप सामने देख रहे होंगे, मैं हमेशा इनको थैंक यू बोलता हूं, नमन करता हूं, थैंक यू सो मच माय डियर। हर अपलाइन आज मेरे साथ है, क्यों? क्योंकि कहते ना यार अपलाइन जिसके साथ है ना, दुनिया की सारी ताकत उसके पास है। मैं तो सबको बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, अरे जिंदगी में माँ बाप ने कहते हर इंसान अपने, हर बच्चा, हर माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा सक्सेस होते हुए देखना चाहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं चाहता, और ऐसी कोई अप्लाई नहीं है जो आपको नहीं चाहती, सब चाहते मेरी टीम सबसे आगे निकले। लेकिन मैं आज इस स्लाइड के माध्यम से दोबारा बताना चाहूंगा कि आप भी चाहते हो और मैं भी चाहता हूं कि मेरी टीम भी आगे आए, लेकिन मैंने क्यों किया और मैं क्यों कर रहा हूं, इस बात को समझ लेना। दुनिया में जितने भी लोग बने हैं ना, लोग बैठे यहाँ पे, माइक देर बहुत बड़े लक्ष्य थे, बहुत बड़ी ड्रीम थे, सपने बड़े थे, लाइफ में कुछ करना चाहता था, समझौता नहीं करना चाहता था, इसलिए इस लाइफ के अंदर आया, इसलिए करना शुरू किया मैंने। गिरी सर मेरी स्लाइड दिख रही है? यस सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इसलिए मेरे को बिजनेस करना था यार, अरे मैंने बड़े चैलेंज के साथ बिजनेस को किया यार,
वो कहते हैं ऐसे ही संजय जी के पास 17 लाख की इनकम आ गई, 18 लाख की इनकम आ गई, ऐसे ही संजय जी के पास थोड़ी और जगह आ गई। आज से 22 साल पहले दोस्त मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर भूखा सोया हूँ। आज से 22 साल पहले मेरे दोस्त 4,500 रुपए के स्कूटर से चलाता जिसमें पेट्रोल नहीं होता था, घर वाले पैसे देते नहीं थे। आज से 22 साल पहले जब मैं 4 डिग्री भूखा मैंने क्या वे लगवा लगवा कर कहा। आज से 22 साल पहले मैं 10 के 12 फीट 2004 की बात बता रहा हूँ, सकरात मकर संक्रांति के दिन में 10 फीट के गड्ढे में पड़ गया था और 2 घंटे में गड्ढे में पड़ा रहा। दर्द था, मेरे हाथों में दस्ताने नहीं थे, मेरे के ग्लव्स लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। उस टाइम पे मैंने काम किया। लोग कहते हैं कैसे ज्वाइन कर लिया, कैसे मैंने, अरे मेरे को भी कितने चैलेंज आए यार, मेरे को भी कितनी दिक्कत आई। लोग कहते हैं कैसे होगा यार, अरे मैंने मैंने 70-80 लोगों को महीने में प्लान दिखाई, एक आदमी ने भी मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं किया। मैंने फिर भी काम किया माय डियर, फिर भी काम किया। और आज आपके सामने ये लोग हैं। लोग कहते हैं मैं कैसे करूंगा। अरे तेजेंद्र राणा एक फार्मर आदमी, 12वीं क्लास पास आदमी, 10वीं 12वीं क्लास करने के बाद एक आदमी फार्मर, जमींदारा करता है, किसान फैमिली से है, ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी आज 60 लाख की मसड़ी चलाता है और आज 16 लाख रुपए का चेक लेता है। सोच कर देखिए, मुंह पे तमाचा मारना चाहिए जितने भी लोग बैठे हैं ना, और आज इस बात को समझ नहीं रहे। बुरा मत मानना, मैंने पहले माफी मांग ली थी कि बुरी लगे तो ये सोच लेना, मेरे को नहीं कह रहे संजय यादव, मैं कड़वा हूं नीम की तरह, कड़वी बात करता हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फायदे 1,000 देता हूँ। नीम भी कड़वा होता है, करेला भी कड़वा होता है, लेकिन बात कड़वी करता हूँ। राजू गुप्ता जी एक बात बोलते अपने आप को, सर मैं एक गंदे नाले के किनारे रहता था, झुग्गी में रहने वाला आदमी आज 50 लाख की ओडी में चलता है और आज 6 लाख रुपए का चेक करता है, आज 1.5 करोड़ के मकान में रहता है, आज घर में रहता है, आज फ्लैट में रहता है। अरे वही आदमी आप, लोग कहते मेरे को वैसे नहीं करनी, अरे क्यों नहीं करनी। ऐसे इंसान को देख जिसकी एजुकेशन 5वीं पास है। सुरभि सिंह एक अनमैरिड लड़की ओडी है। मिस्टर सोमेश यादव 3 लाख रुपए का चेक है, हरियाणा पुलिस की नौकरी, 60,000 कर्मचारी है, अकेला आदमी ऐसा है जो आज पुलिस में जॉब करता है। राकेश जी जिसकी इनकम 3 लाख, आज ओडी के मालिक है। छोटे छोटे बच्चे, अरे कोई सीए कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, कोई 95,000, कोई 76,000, कोई 94,000, कोई 1 लाख, कोई 64,000, कोई 48,000। अरे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज से कुछ समय पहले डायरेक्ट सेलिंग को चुना, समझा, काम करना शुरू किया और आने वाले समय का भविष्य देखा और आज वेस्टेज के अंदर लाखों रुपए इनकम पे पहुंच गए हैं। लेकिन कई बार हमारी समझ में नहीं आता, ये वो है जो आज से 5 लाख रुपए का चेक दिखा रहा हूं लेकिन 11 लाख का चेक पहुंच गया सीओम का। आज तरुण कनौजिया, आज दुष्यंत खन्ना, ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, क्यों बता रहा हूं मैं इनका, ये वो चेक दिखा रहा हूं ताकि आपको आज के चेक मत देखो। जब ज्वाइनिंग किया था आज से 2 साल पहले के चेक है, लेकिन आज लोगों के समझ में आता सर कैसे था चैलेंज, तो इनको भी आए होंगे, आपको भी, आपकी टीम भी, बहुत सारे लोग बैठे हैं। पर क्यों बता रहा हूं आज, आज गिरी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिस इंसान ने इतना इतनी लाइफ में इतना संघर्ष किया, इतना काम किया, उसके बाद भी आज आज 14-15 लाख रुपए जैसे इनकम ले रहे हैं, 50 लाख की गाड़ी के मालिक है और आज लाखों लोग इनकी टीम के अंदर है जिन्होंने कभी भी दिन रात कर मेहनत कर टीम के लिए दिन रात किया, इतनी मेहनत करी, कभी भी रात और दिन देखा नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आज आपके बीच में आपके लिए हमेशा तमाम 24 घंटे बने रहते हैं और मीटिंग और सेमिनार के लिए आपके टीम को एजुकेट, अपनी टीम को एजुकेशन देने के लिए और तैयार रहते हैं। तो एक बार चाहूंगा ऐसे इंसान के लिए दिल खोल के ताली बजा दो ना, ऐसा सम्मान कर दो ना, ऐसे लिए दिल से शुक्रिया बोल दो ना, थैंक यू बोल दो ना कि सर आपकी वजह से हमें ऐसा अपलाइन यार हिंदुस्तान के हर इंसान को मिलना चाहिए ना। लेकिन कई बार समझते नहीं है कि अपलाइन ने कितना क्या किया। एक पार्लर चलाने वाली महिला, एक सीए व्यक्ति, एक जॉब करने वाला, एक इंसान प्राइवेट जॉब, एक एडवोकेट, एक सीबीआई के अंदर, आज ये छोटे छोटे बच्चे आज लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। कई बार हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं कहता हूँ बिजनेस क्या है देखिए आगे। मैं क्यों बता रहा हूँ आज आपके सामने, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक फिल्म इंडस्ट्री के मालिक कलाकार को भी समझ में आ रहा है, एक धारावाहिक बनाने वाले व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, एक टैक्सी चलाने वाले राहुल मिश्रा को भी समझ में आ रहा है कि 1.5 लाख की इनकम कैसे आ सकती है, और टैक्सी ड्राइवर को तो नहीं मिलती, लेकिन 5वीं फेल आदमी को भी, मिस्टर राजीव को भी समझ में आती है, और एक ऐसा इंसान जिसके पीछे कहते ना यार बहुत सारी फोर्स चलती है, उस इंसान को भी समझ में आता है कि आज डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए आज, और ऐसे इंसान को भी समझ में आता है जो डॉक्टर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, गूंगे इंसान भी है, एक अपाइज आदमी भी है, एक ब्लाइंड आदमी भी है जो लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। अरे झूठ बोलते हैं लोग, बहाना बनाते हैं लोग।
अगर आज अपने ऊपर भरोसा है ना तो माँ के सामने जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, मेरा तो खून फूल जाता है भाई। और मैं तो एक बात बोलता हूँ यार, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कसम से डायरेक्ट सेलिंग को ना छोड़ना नहीं है। आज इसको समझ जाना है, अगर आपका पानी बन गया ना खून का, मत करना डायरेक्ट सेलिंग। और मैं तो हर बार बोलता हूँ, कई बार लोगों को बताता हूँ कि वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें ना जीवन रवानी है, जो बरबस होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। माँ कसम पानी बन गया इसका मतलब आपका। अरे कहे अपाइज आदमी आज वैसे चीज में 5 लाख रुपए महीने पे पूछ सकता है, तो मुंह पे इतने चपाटे लगाने चाहिए, इतने थप्पड़ मारने चाहिए, इतनी शर्म आनी चाहिए जिंदगी में, और रात को नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम इस मीटिंग में बैठकर ये बात देख रहे हैं, मैं नहीं पहुंच सकता। आप इसी महीने में रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, इसी 6 महीने के अंदर दिसंबर 2021 तक, माँ कसम आप आज इतना कुछ कर सकते हो, वैसे किसी ने सोचा नहीं है। लेकिन आप ठान लिया ना, और ठाना जाता नाभि से, जो इंसान इस नाभि से ठान लेता ना वो कर गुजरता है। इस बात को समझ लेना। कितने ऐसे लोग हैं, अरे रिक्शा चलाने वाला आदमी ऑटो ड्राइवर मिस्टर शंकर आज BMW का मालिक बन गया, स्कूटी कमाने चलाने वाला आदमी, स्कूटी काम करने वाला 1.5 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया, आज भेड़ बकरी चलाने वाले आदमी 2 लाख रुपए महीने पे पहुंच गए। और हम बोलते हैं हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अरे छोटा सा ऑफिस था ये, करण बाली सर, दीपक सर, आज से 17 साल पहले जब शुरुआत करी, लेकिन विजन बहुत बड़ा था, पैसे भले ही कम थे, कंपनी भले ही छोटी थी, लेकिन माँ कसम विजनरी लोग थे। और आज हिंदुस्तान की 30वें नंबर की कंपनी और इंडिया की नंबर 1 की कंपनी बना दिया। सोच कर देखिए कितनी बड़ी मैनेजमेंट, कितना बड़ा एक्सप्रेस था। इसलिए कहता हूँ आपके अपलाइन ने जो बुलाया है ना, थैंक यू बोलो यार उसको, धन्यवाद दोस्तों, हाथ को पकड़ो और चूमो, जूम पर मिले जमीन पर मिले चूम लीजिए, गले लग जाइए, लेकिन माँ कसम छोड़िए मत उसको। आज समझ लेना, इस बिजनेस को मैंने इसलिए किया था, आज जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आज ये 200 लग्जरी कारों का कारोबार वेस्टेज ने आज खड़ा कर दिया एक साथ, आज इतना ही बड़ा काम। और 2018, 2019, 2020 और 2021 इंडिया के तो रिकॉर्ड बने किए, वर्ल्ड के अंदर भी कंपनी ने रिकॉर्ड बना दिया, कितने अवार्ड और रिवार्ड लेने वाले, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग बनी वेस्टेज। आज 9 कंट्रियों के अंदर वैसे चली गई, 1 कंट्री में नहीं है, 5 कंट्री से 9 कंट्री में। आज तकरीबन 150-200 से ज्यादा फीमेल ने आज डंका बजा दिया कि हम भी 1 लाख से 40 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। चूड़ियां पहनने वाली औरत, एक ऐसी ऐसी महिलाएं, घर में पोछा मारने वाली लेडीज, घर में चूल्हा चौका करने वाली और सब्जी रोटी बनाने वाली ने भी मेल और फीमेल के साथ, कहते ना कंधे मिलाकर मेल के साथ, 40 लाख रुपए कमाने लग गए। लोग कहते सर मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, लोग मेरे को मना करते हैं। अरे लोग बोलते हैं मेरा कैलिबर नहीं है, मेरा स्टेटस है क्या ये काम करने का? अरे कान में 22 की बीड़ी, वो भी आधी टूटी हुई लगाते हैं कुछ लोग, फटा पजामा है, पजामे का एक हिस्सा फटा पड़ा है, छाछ मांग के लेके आते हैं पड़ोसी से, उसके बाद में बोलते हैं सर मैं करूंगा बस चीज। तेरा कैलिबर, तेरा स्टेटस मेरे को समझ में आ रहा है, तेरा कितना स्टेटस है, और बात करते हैं कि मैं नहीं करूंगा। अरे दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, खाली दिखावटी लोगों के सामने चवन्नी की बात करें तो 1 पैसा अकाउंट में नहीं है और बात करते हैं। बुरा मत मानना जितने भी लोग बैठे हैं, और मान जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं यार, मान लेना मैं तो कड़वा हूं, मैं तो खरी खरी बात बोलता हूं। अगर जेब में इतना पैसा है कि आज जैसे मैं अभी गया प्राइवेट जेट में, औकात नहीं थी, Terminal 4 देखा नहीं था जिंदगी में, दिल्ली के अंदर Number 1, 2 और 3 देखे थे मैंने, Terminal 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे नहीं गया था। लेकिन अभी आज से 3, 4, 6, 5 महीने पहले मेरे को भी Terminal 4 देखने का मौका मिला प्राइवेट जेट में। वेस्टिज की पावर थी, वेस्टिज की ताकत थी कि हम 5-6 लोगों ने जर्नी करी प्राइवेट जेट में, अपने पर्सनल विमान में बैठकर, जिंदगी में सोचा नहीं था। आज लाखों रुपए लग जाए तब भी परवाह नहीं करी थी, ये पावर थी वेस्टिज की, मेरी औकात नहीं थी। आज से 3 साल पहले प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठकर आज घूमने का मौका लिया, आज समझा आज इतने फॉरेन ट्रिप करे, ये पावर थी इस इंडस्ट्री की। लोग कहते मेरे को क्यों करना है, अरे आपको नहीं करना तो फिर इतने बड़ी बड़ी बातें क्यों करनी? सर मेरे बस के नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ आ रहे होगा ना, फिर क्या दिखाना दुनिया को, दिखाओ ना लोगों को करके यार, और करो ना 10-20-50 लोगों की मदद यार। आज 634 लोगों ने गाड़ियां ली है, 26 लोगों ने ऑडी मर्सिडीज BMW लिए, काई की औकात थी, 26-27 लाख लोगों का ग्रुप बन गया है। मेरी तो औकात एक आदमी को नहीं थी 1 लाख पे पहुंचाने की, आज मेरी टीम के अंदर 10 लाख कमाने वाले 7 आदमी हो गए, 10 लाख कमाने वाले बता रहा हूँ, 10 लाख से ज्यादा इनकम लेने वाले भी लोग, सोचिए आप 1 लाख लोगों वाले की बताऊं तो गिनती नहीं है। मेरी तो औकात नहीं थी, मैं तो देश का MP MLA नहीं हूं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, प्रोफेसर नहीं हूं, साइंटिस्ट नहीं हूं,
मैं कैसे लोगों को इनकम चला सकता हूं। लेकिन ये वैसे ही जाए पावर है डायरेक्ट सेलिंग की, और फिर हम कई बार सोचते हैं कि कैसे करेंगे। हम कर सकते हैं अगर समझ में आए तो। आज सुदर्शन मोहंती जिस दुनिया में नहीं है, मैडम को 11 से 14 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है इस कोविड के टाइम में। दुनिया ने समझा दिया, कोरोना ने समझा दिया, ट्रेन नहीं चली, बस नहीं चली, होटल बर्बाद, एयरलाइन इंडस्ट्री बर्बाद है, स्कूल बर्बाद, सब चीजें खत्म हो गई, बंद हो गई, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। अब समझ में आ गया है, हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है, बेरोजगार हो गए हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आया, अब समझ में आया है। स्लाइड पुरानी है, बातें पुरानी कर रहा हूं, लेकिन समझ लेना जमाना नया है, सब कुछ बदल गया है, इसलिए समझने की जरूरत है। आज गिरीश जी ने टाइम लिया है, सर बैठे हुए हैं, ठीक है, ज्यादा तो बात नहीं कहूंगा, इनसे बहुत कुछ सीखा है, इतना सीखा है इन्होंने, यहां तक पहुंचाया, इनकी वजह से आज मैं यहां बैठा हूं, इनकी वजह से आज सब कुछ सीखा है, इनकी वजह से आज अचीवमेंट आई है, इनकी वजह से आज इतना बड़ा।
करना चाहूंगा आज मैं कि आज सबके सामने जो चीजें मैंने बताई है कि ये सारी चीजें आज देखते रहना। आज भी 450-500 लोग अब भी बने हुए हैं किसके ऊपर, जूम पर, यूट्यूब पे अलग है, बस ये लाइव में देखा है। जैसे आप अपलाइन बोले अपने सपोर्टिंग सिस्टम के साथ, अपलाइन के साथ खड़े रहिए। अपलाइन एक्टिव एंड ग्रोइंग है, आपके जो ग्रो कर रहा है, जो एक्टिव है, जो इफेक्टिव है, उसके साथ खड़े रहिए। देखिए आने वाले समय में आपके पास भी मेरी जैसी इनकम होगी। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात बुरी लगी, मेरी बात चुभी हो, मेरी बात बुरी लगी हो, मेरी बात दिल पे लगी हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन दोस्त मैं एक बात बोलता हूँ, जब कुछ चुभता है ना, जब कुछ दिल पे लगती है, तभी कुछ होता है। इसलिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू सो मच शुक्रिया गिरी जी, थैंक यू। सलूट करता हूँ आपको, आपने मुझे इन्वाइट किया और आपने मुझे इस काबिल समझा और इस लेवल तक पहुंचाया, आपका हमेशा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तहे दिल से हमेशा अपने दिल में, अपने घर में आपके साथ हमेशा रहता हूँ मैं, तो दिल से शुक्रिया सर। अपलाइन हो तो आप जैसा हो, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, लव यू सर, लव यू। थैंक यू सो मच सर, और जिस अंदाज के लिए आप जाने जाते हो, इसी अंदाज से तो आपने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। लाखों लोगों की जिंदगियां जो ब्लैक एंड व्हाइट थी, उनको रंगीन किया है आपने सर। तो आपके बाद किसी को बुरी नहीं लग सकती, बुरी लगने के लिए तो लोग आए हैं यहाँ, किसी को घर जाके इन्वाइट थोड़ी किया गया है, सब अपने आप कनेक्ट हुए। आज वो बड़े खुश होंगे कि आपने उनके अंदर के जो हनुमान था उसको जगाया है, और वो हनुमान अब जगेगा और बहुत बड़ा काम होगा। और जब उनका काम होगा, उनके घर में जब चूल्हा जलेगा, उसमें धुआं निकलेगा, उस धुएं के साथ आपके और हमारे लिए दुआएं निकलेंगी। हमें और आपको क्या चाहिए सर, सब कुछ है, लेकिन लोगों के घरों में खुशियां हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी काबिलियत है कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाए। अब तो जिंदगी का मकसद ही है, आपके और हमारे पास क्या कमी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों के घरों में खुशियां हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। तो थैंक यू सो मच संजय सर, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्र अदा करूं कि आपने इतने अच्छे शब्दों में, इतने एक्साइटमेंट के साथ, इतने अच्छे तरीके से लोगों को प्रेजेंट किया। मतलब वो चीजें आपने बताई कि अंदर का खून खोल रहा था कि अभी जाके 10 लोगों को प्लान दिखा दिया जाए, ऐसा लग रहा था। और बाकी लोगों का भी कमेंट मुझे आ रहे हैं, तो अगेन थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। लोगों के अगले 15 मिनट में और चाहूंगा कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं, ताकि जो लोग पर्सनली पूछना चाहे, पर्सनली क्या जूम पे ही पूछते हैं, तो हैंड रेज कुछ लोगों ने किए हुए हैं, लेकिन मैं क्योंकि सब लोगों के अपलाइन के कहीं ना कहीं किरदार निभाता हूं, तो मुझे आज अधिकार है, सब लोगों को तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को जरूर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम एकता जी, हमारे बीच में है सर, लीडिंग लेडी है एकता मैम, तो एकता मैम को मैंने अनम्यूट किया है। एकता मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, और इतनी एक्साइटमेंट, बिल्कुल सही कहा गिरी जी आपने, इतनी एक्साइटमेंट आ गई है अंदर से कि अभी जाके फटाफट प्लान दिखा दें बस, बहुत ही मजा आया, बहुत ही एक्साइटमेंट। और वैसे भी हम संजय यादव जी को सभी लोग इतने फैन हैं, और मैंने कितने लोगों को, जब मुझे पता लगा संजय यादव जी का है, मेरी टीम से भी काफी लोग बैठे हैं और काफी लोग यूट्यूब पे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब लोग संजय यादव जी को जानते हैं और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग, क्योंकि ये हकीकत दिखाते हैं, मतलब इनकी मतलब मोटिवेशन नहीं देते, ये हकीकत दिखाते हैं कि आज के टाइम पे है क्या, हमें क्यों करना है, वेस्टीज का बिल्कुल वाई क्लियर करवा देते हैं कि हमें करना क्यों है। और सच में मां कसम सबको करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। और कोई भी अटकन बीच में आएगी ना, तो सच बता रही हूँ, संजय यादव जी के फॉर्चुनर जो चैनल है ना इनका, यूट्यूब वाला, उस पर चले जाना और इनकी वीडियो देख लेना, एक्साइटमेंट अपने आप आ जाएगी। थैंक यू सो मच गिरी जी, और इतने शानदार शानदार जो लीडर्स बुलाते हो, उसके लिए आपके लिए भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एकता जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमारे बीच में एक शानदार लीडर हैं, जो आने वाले भावी ये कहें कि यूथ आइकॉन होने वाले हैं, बहुत तेजी से उन्होंने काम किया है, लॉकडाउन में अपने आप को साबित किया है, अनुज यादव जी, मैं आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ, अनुज यादव जी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर, और गुड मॉर्निंग संजय यादव सर। मॉर्निंग भाई, मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं अनुज यादव बात कर रहा हूँ यूपी एटा से, और मैं एक स्टूडेंट हूँ सर बीएमएस का, मैंने एक करियर छोड़ा है, और एज अ करियर अगर मैं कहूँ कि मैंने एक दृढ़ डिसीजन लिया था सर, आपका आप मॉर्निंग में लाइव आई थी एक बार राजीव शर्मा सर की मीटिंग में तकरीबन एक साल पहले, उस दिन से ठान लिया था कुछ भी हो जाए, चाहे अप डाउन कुछ भी होगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे संजय यादव बनना है। और सर अब आपका मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है, अक्षय यादव सर भी मुझे सपोर्ट करते हैं, उस दिन भी आपकी 4 बजे वाली मीटिंग मैंने अटेंड करी थी अपनी पूरी टीम के साथ, रियली सर बहुत मजा आ रहा है, और आपका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहेगा, बहुत बड़ा खेल करने वाले हम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, गुड ब्लेस, वेरी गुड।
चलिए थैंक यू सर। और आगे जयराज जी है हमारे बीच में, क्राउन डायरेक्टर। मैं सर आपको जयराज जी अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे समय देने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले तो संजय सर के लिए कहूंगा, सर सही कूटा आज आपने, कूट कूट के गंदगी बाहर निकाली है। सही सही कूटा। सॉरी सर, जयराज जी वो दिन याद है जब सेमिनार करने आए थे वहां बैठे, तो एक एक दिन याद है सर। मैं थोड़ा कड़वा हूँ करेले की तरह, नीम की तरह, लेकिन मैं प्यार बहुत करता हूँ, मेरा दिल अंदर से बहुत बहुत प्यार करता हूँ सबसे, और आपसे तो बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ सर। थैंक यू सर। कड़वा इंसान काम ही करता है और करता क्या है, और तो देहाती आदमी किसान के बेटे कहते ना, अगर कोई बैल काम करने वाला उसके नखरे अलग हुआ करते थे, ठीक, उसको देहाती भाषा में कहते थे, मारता था रखना होता था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन मैं बोलूं सही कूटा आज, कूट कूट के गंदगी को बाहर निकाला है और एनर्जी को जबरदस्ती अंदर प्रवेश कर दिया कि बेटा कल सुबह देख तो रात को सो पाए सो पाए, कल रुक नहीं पाएगा घर में। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने एनर्जी प्रवाह की अंदर से, और बैठा तो मुझे भी नहीं जा रहा लेकिन करूंगा, रात हो गई है। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आगे संजय सर हमारे बीच में, आदेश शर्मा जी हैं, क्राउन डायरेक्टर अपना हापुड़ से, बहुत शानदार चुलबुले लीडर हैं जी। आदेश शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। आदेश शर्मा जी, चलिए आदेश शर्मा जी शायद नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। तो शारदा देवी हमारे बीच में है, भगवान सिंह जी की मिसेज है और बहुत शानदार लीडिंग लेडी है। प्लीज मैम, शारदा मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम शारदा, एक हाउस वाइफ हूँ, और अपलायन का बात करूँ, अपलायन हमारे समूना तकेला जी और ग्रेट अपलायन गिरी सर है, और उनके सामने में सीख रहे हैं, और क्राउन डायरेक्टर का लेवल है सर, कार फंड अचीवर, विदेश यात्रा फंड अचीवर, हाउस फंड। और जो आज संजय यादव ने जो आज मीटिंग करी है, सेमिनार करा, वो बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर का। और जो लॉकडाउन में भी संजय सर का जो हम सेमिनार और देखते थे मीटिंग 3 बजे खड़े होकर, तो सर की उसमें भी हम बहुत कुछ सीखते थे। तो थैंक यू सो मच सर गिरी सर, और थैंक यू सो मच सर संजय यादव सर, और आपका तहे दिल से धन्यवाद करती, मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम, थैंक यू, बहुत थैंक यू मैम। और आगे क्राउन डायरेक्टर सुनील रजौरिया जी हमारे बीच में। सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सुनील रजौरिया जी। थैंक यू गिरी सर, और बहुत बहुत धन्यवाद गिरी सर का आज की शाम। एक साथी माँ उस जिंदगी को जीने को तैयार होते हैं, जेब में दाम नहीं होता, और एक साथी कोई मना कर देता है तो अपलाइन को आके कहते हैं सर उसने तो मुझे मना कर दिया। वाह, थैंक यू संजय सर, क्या शानदार मैसेज दिया है आपको, थैंक यू अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुनील जी। और बस रात को एक ही सपने में बार बार बोलना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, बैठा लेना आज,
गाड़ी में जितने भी लोग आए तो बैठा ले, आज लोग आने को तैयार हैं, आज का एक्साइटमेंट आपके रीजन विजन क्लियर है तो हम सब लोगों का बड़ा हो जाएगा। बाकी गिरी जी हमारे अपलाइन है ही, हमारी उनकी गाड़ी तैयार है बैठने के लिए। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू संजय जी। दो से तीन लोगों को सर और लेते हैं, कोई नहीं सर, बुलाइए मैं आपके लिए। गुरुदेव मैं तो आपने बुलाया, हम चले आए तो मैं तो ये कैसे कह सकता हूँ, तुम तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप ही बोल सकता हूँ, गाने वाले बोल तो आप बुलाओगे, मैं नहीं आऊंगा ऐसा हो नहीं सकता। आपका प्यार, आपका प्यार, सहयोग, दुआएं हमेशा हमारे साथ रही है। हमें पता है आप हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व में 15-16 कंट्री में चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन आपने मेरे लिए टाइम निकाला, हमारी पूरी टीम और इन सब लोगों के लिए टाइम निकाला। सर कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। आगे हमारे बीच में क्राउन डायरेक्टर हैं हापुड़ से, जो पहले म्यूट नहीं हो पा रहे थे। आदेश शर्मा जी, आदेश शर्मा जी, आदेश शर्मा सर आप अनम्यूट हैं। गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव नमस्कार, गुरुदेव संजय सर को मेरा नमस्कार। संजय सर के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो जब देशभक्ति के गाने सुनते हैं ना लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो हम तो गुरुदेव को जब हेड ऑफिस में देखते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट वैसे ही चार गुना हो जाता है। मैं तो अभी कल परसों गुरुदेव से मिल लिया था हेड ऑफिस में, रिसेप्शन पे मेरी मुलाकात हो गई, एक्साइटमेंट आ गया गुरुदेव। So, गुरुदेव वो जिस तरह देशभक्ति के गाने सुन के बॉडी में एनर्जी आ जाती है, उसी तरह आपकी आवाज सुन के और आपका प्रोग्राम और आपके ऑरे को देख के हमारे अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है। और गुरुदेव मैं तो वेस्टीज के लिए इतना ही कहूंगा, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, आप जैसे हमारे जीवन में है और हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। और लास्ट में गुरुदेव एक ही बात है कि वेस्टीज का बहुत बहुत धन्यवाद, हम तो किसान परिवार को बिलोंग करते हैं, कहाँ खेती किया करते थे, स्कूटर पे चलते थे, आज धन्यवाद इस लॉकडाउन के समय में भी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं और अपना गाड़ी में हैं। और दूसरी एक बात लास्ट में गुरुदेव एक चीज और भी है कि इस कोरोना पेंडेमिक में बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में नहीं है, तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। अगर आज हम लोग सुरक्षित है तो ऊपर वाले ने हमारे कंधों पे शायद बड़ी जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को हमें भरपूर निभाना है। इसी के साथ गुरुदेव आप दोनों का, मेरी सभी ग्रेट अप्लायंस का बहुत बहुत धन्यवाद। गिरी सर आपका स्पेशल थैंक यू, एंड संजय सर एंड एकता मैडम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदेश जी। और आगे मनीष भास्कर जी हैं हमारे बीच में, शानदार लीडर हैं, और ऐसा तो कोई सेमिनार होता ही नहीं जो मनीष भास्कर जी ना हो उसमें, और कमाल की लीडरशिप है सर, और आपके ये कहूँ की सबसे बड़े फैन है। कमाल का एनर्जी भर दिया, अभी रात के 10 बज रहे हैं लेकिन लोग बेड से उठ गए। और संजय सर रियली सच में हम बहुत बड़े फैन हैं आपके, जो सुबह के सेशन करते थे उससे आपसे बहुत कुछ सीखा, इस लॉकडाउन में भी पूरी टीम को बांध के रखा, उन्हें अलग अलग लेवल दिलाया, यही करके आज जो है सिर्फ लॉकडाउन में सर मैं एज अ स्टूडेंट शुरू किया था इस इंडस्ट्री को, फर्स्ट ईयर में था तब शुरू किया था, अभी थर्ड ईयर में हूँ और डायमंड डायरेक्टर का लेवल है, पढ़ते पढ़ते आज जो है कभी सोचा नहीं था कि ट्रेवल फंड मिलेगा विदेश यात्रा के लिए और फॉर कार फंड मिलेगा, ये सब कुछ मिल पाया सर लॉकडाउन में। चार बच्चों ने मेरे टीम से जो है ड्यूक बाइक निकाला सर, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपके सेशन को अटेंड करके हम सब कर पाए, वो मोटिवेशन मिला, मोटिवेशन नहीं कहूंगा एक इंस्पिरेशन मिला जिसके करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और गिरी सर का तो सहयोग है ही, हमारे ऊपर हाथ बनाई है, तो यही कहूंगा सर। अभी आप जैसे तरुण कनौजिया सर के साथ और शिवम गोस्वामी सर बाकी यूथ के साथ गए थे, मेरा भी एक सपना एक दिन हम प्राइवेट जेट बुक करें और आप और गिरी सर हमारे साथ चलें, ये सपना जरूर। मनीष जी 101% होगा, डन, बिल्कुल डेफिनेट होगा, क्योंकि आपने जो भरोसा कर लिया ना गिरी जी के ऊपर और तमाम सारी टीम के ऊपर, तो भरोसा सबसे बड़ी बात है। और आप जो कहने लग रहे हैं मेरे को, आप बहुत अच्छा से, आपको अच्छे से मैं जानता भी हूं, तो लेकिन रियली आप भरोसा जरूर करिए। और एक बात, एक लाइन है ना जो हर बार बोलते हैं कि हम लोगों को खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम दिलों में लोगों का एहसास बदल कर रख देंगे, चढ़ने को तो हम तनाव भी चढ़ सकते हैं, लेकिन मगर दिया हिंदुस्तान ने साथ हमारा तो कसम खुदा की हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख देंगे। ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, वाक्य में इतिहास बदलेंगे सर, और डेफिनेट बदलेंगे एक ना एक दिन, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूं कि 101% बदलेंगे इस इतिहास को, ताकि लोग देखते रह जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो शुक्रिया मनीष जी, आपने
आज ये जो बात कही कि प्राइवेट जेट वाली, तो मेरा रोंगटा और खड़ा हो जाता है, रोम रोम और खड़ा हो जाता है। और माँ कसम, जब तक 2028 में फ्लाइट मून पे जाएगी ना, सबसे पहले जाने वाला इंसान मैं बनूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, यमराज भी आ जाएगा, तो भी एक बात बोलेंगे, पहले मून पे उसके बाद में चले, ठीक है। यस गिरी जी, थैंक यू सो मच। यस सर, सर सर दो लोगों को और लेते हैं, बस उसके बाद आपको धन्यवाद के साथ फ्री करते हैं। हमारे बीच में है विजेंद्र सिद्धार्थ जी। विजेंद्र सिद्धार्थ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर थैंक यू, सर थैंक यू सर। सर मैं तो बहुत बहुत तहे दिल से तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने जो है ऐसे शख्सियत से मुलाकात करा दी जिनको दूर से ही देखते थे और दूर से सुनते थे, और आज साक्षात जो है बिल्कुल मेरे सामने है। संजय सर गुड मॉर्निंग, विजेंद्र सिद्धार्थ सर, आज जो मीटिंग आपने दी है, रियली में मैं बस बेसब्रा हो रहा हूँ कि कब गिरी सर इस वीडियो को यूट्यूब पर डालें और कब मैं अपनी टीम के एक एक बंदे को ये वीडियो दिखाऊं कि अगर आपने वेस्टेज करना है तो इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वेस्टेज नहीं कर सकते। सर मतलब जो थप्पड़ आज आपने लगाए हैं, रियली में अंदर तक हिलाऊंगा पूरी तरीके से, और बिल्कुल एनर्जी आ गई, मेरे रोंग पे खड़े हुए सर इस पूरी जो है सेशन को सुनने से जो है, और पहली मीटिंग और पहली मिनट और आखिरी मिनट तक जो एनर्जी रही है ना सर आपने जो है, गजब के साथ बहुत बड़ी सीख मिली है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विजेंद्र जी, संजय जी से पहले बताऊं, ये लाइव यूट्यूब पे भी था प्रोग्राम, और लाइव यूट्यूब पे इससे ज्यादा लोग थे, लगभग 900 के आसपास लाइव थे लोग वहां। तो आज प्लीज आप इसको देखिए कि अपनी टीम को बार बार दिखाइए। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हमारे बीच में कुंतल जी है सर, बीकानेर से। संजय सर, जी कुंतल जी, कुंतल जी तो बड़े दीवाने हैं जी, बड़े प्यारे हैं हमारे जी। कुंतल जी आपको अनम्यूट किया गया है। मेरे को और आपको तो कुंतल जी का वो बीकानेर याद आता है। थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। और शुक्रिया कुंतल, वेलकम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर सर अब सबसे लास्ट मौका मुझे मिला है, तो जितनी तारीफ के फूल बांधने जाने से चाहिए थे वो सारे बांधने जा चुके हैं, मैं वही वापस रिपीट कर रहा हूँ। और रही बात एनर्जी की, तो सर तो जब संजय सर हमारा कुछ सेशन लेने आते हैं तो एनर्जी की बात तो हम साइड रख देनी चाहिए, ये तो एक सिनोनिम हो गया है कि ये आएंगे तूफान और एनर्जी तो साथ में आने वाली है। और अगेन मैं आप दोनों को शुक्रिया अदा करता हूँ सर, मेरा लाइफ बिजनेस में एक ऐसा फेज आया था जब मुझे लगा था कि मुझे अपनी नौकरी पे वापस चले जाना चाहिए, तो आप दोनों की वजह से मैं इस बिजनेस पे रह पाया था, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। एक बस सर, सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि सर आप एकदम साधारण परिवार से आते हैं जहां पर सब लोग गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, 15-20 हज़ार की इनकम लेते हैं, वहां से सोच रखना कि चांद पे चले जाना सर जो बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है, प्राइवेट जेट में खरीदना बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है, तो सर इतनी बड़ी सोच लाने की कैसे हो पाई? हम भी सब लोग बोलते बड़ा सोचो बड़ा सोचो, पर अंदर से भी एक आवाज आती है नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपने इतना बड़ा कैसे सोच लिया और खुद पे इतना विश्वास कैसे कर लिया कि मैं चांद पर भी जा सकता हूँ सर? वो सर हमें बता के जरूर आप हमारे मन में भी उम्मीद जगाई और हम भी उस तरह का बड़ा सोच पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल कुंतल जी, और आपने 5-7 दिन पहले मेरे को पोस्ट भेजा था कि सर बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, मैंने कहा यार थैंक यू सो मच, शुक्रिया मेरे ड्रीम को याद दिलाने के लिए। सर ड्रीमर तो शुरुआत से रहा हूँ, भरोसा अपने ऊपर शुरुआत से ही था, ऊपर वाले पे भी था, और मेहनत करने में कभी कसर नहीं छोड़ी यार। जब कहते हैं इंसान के ड्रीम बड़े होते हैं ना, सपने जब बड़े होते हैं, छोटे सपने में भी उतनी एनर्जी लगती है देखने में और काम करने में, बड़े सपने में भी। तो यार क्यों ना बड़े सपने देखें, एक बात बताओ आप, क्यों दिल्ली जाने की सोचे, मून पे क्यों ना सोचे यार, मून पे चलेंगे यार, जब सारे काम उतने होने हैं, सोचना उतना है, टाइम उतना लगना है, एनर्जी लगानी है, प्लानिंग करनी है, सब कुछ करना है, तो मून पे चले ना यार। जब लोग कहते हैं मेरे को मर्सिडीज लेनी, मैं तो प्राइवेट जेट लूंगा ना यार, पैसे कमाने हैं तो और प्लानिंग करूंगा ना, और तैयारी करूंगा ना, और बड़ा करूंगा ना मैं। जब मैंने मेहनत करनी है तो रात को मैं 2 बजे तक सो रहा हूँ, मैं 4 घंटे 6 घंटे मैं तो 10 घंटे जागूंगा यार, तो मैं तो करूंगा ना काम यार। जहां मेरे कहते ना एनर्जी लेवल आदमी का बढ़ जाता है, जिसके ड्रीम होते हैं ना कुंतल, उसके कहते सपने बड़े होते हैं ना लाइफ में, वो सोच जो बनी ना शुरुआत से ही, बचपन से ही, वो बचपन में जब देखे थे ना, और जब दादी और नानी कहानियां सुनाती थी कि चंदा मामा और उस चांद में कोई ऐसा धोती वाला चरखा चला रहा है, दादी अम्मा पता नहीं क्या क्या बोलते थे, वो चांद पे मैंने एक दिन इस चांद पे जाके जरूर देखना इसमें धोती वाला है चरखे वाला है क्या, ये उस दिन जरूर बनाया था मन ही मन में, बचपन में जरूर सोचा था कि यार वो चांद पे जरूर जाएंगे, लेकिन हकीकत नहीं पता था उस समय, ये था कि बचपन के टाइम में कि यार चांद पे जरूर जाना है, ये जरूर देखना है कि इसमें धोती वाला आदमी है या चरखे वाला है, ये बुढ़िया बैठी है या बूढ़ा बैठा है, ठीक है, ये फ्लाइट वाले वे चील गाड़ी बोलते थे बचपन में देखते थे यार, वो टाइम था, ऐसे ही प्राइवेट जेट में बैठा, ऐसे ही जगवार ली,
20 साल पहले सपना देखा, रात को रोया, जेट में आया, लेकिन कसम से जेट भी आएगा और मून पे भी जाऊंगा और मेरे साथ तुम भी चलोगे, ठीक है, ये तुमने बोला है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, सपने बड़े भाई, बाकी हम सब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू राजकुमार जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू दुत्तर जी, थैंक यू संजय सर, आप लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत हो, जब आप ऐसा बोलते हो तो वाकई में ही और लोग जो मान लेते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे उनके मन में भी लगता है यार हम जरूर करेंगे, तो थैंक यू सो मच। मैं माफी चाहूंगा, इतने सारे बाकी लोग और हमारे बीच में हैं जिनको मैं नहीं ले पा रहा हूँ टाइमिंग की कमी के कारण, लेकिन मेरे पास आज माफी के अलावा शब्द नहीं है। अगले प्रोग्राम में जो लोग रह गए, जिन लोगों ने नहीं आज पार्टिसिपेट कर पाए, उनको जरूर लेंगे अगला फ्राइडे, याद रखना टाइम सेम रहेगा 9 बजे का। तो मेरे पास संजय यादव जी के लिए भी शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करूं, जो इतना कीमती शुक्रिया तो सर मैं अदा करूंगा, क्योंकि पिछली बार क्षमा चाहूंगा, आपने टाइम दिया, मैं उस समय थोड़ा सा मैं बाहर भी था, थोड़ा मेरा पेट में भी प्रॉब्लम थी और कोई बात नहीं, थोड़ी गर्मी थी इस वजह से, बाकी मैंने कहा सर से मैं शर्मिंदा था खुद ही कि हमारे गुरुदेव ने हमारे उन्हें याद किया और मैं नहीं जा पाया, तो मैं खुद शर्मिंदा था। सो सर सौभाग्य तो मेरा है कि आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सर। मतलब मैं बाकी सब लोगों की तरफ से बिना शब्दों के चाहूंगा कि सब लोगों को अनम्यूट एक बार कर दिया जाए, ताकि तालियों से शोर शराबे के साथ सीटियां जो भी घर में है जिस माहौल में भी स्वागत कर सकते हैं, प्लीज करिए, सब लोगों को अनम्यूट किया जाए। Thank you.